एमएस एक्सेस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वल क्यूरी के बारे में। जैसे आपने क्रिएट पे गए थे तो क्रिएट में आपने एक चीज पढ़ा क्यूरी भेजा जो प्री डिजाइन क्यूरी को आपने ट्रिगर किया। दूसरा डिजाइन क्यूरी में आपने हिसाब से आपने क्यूरी बनाई, आपने रिलेशनशिप किया, आपने कैलकुलेशंस किया, अलग-अलग कंडीशंस लगाया। अब बात करते हैं सीक्वल की। अब सीक्वल की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि सर डिजाइन सिक्वल में डिजाइन है कुछ लिमिटेशंस है जो कि सिक्वल क्यूरी में लिमिटेशंस को दूर कर दिया जाता है। दूसरा आप आगे चल के फॉर्म वीवीए फॉर्म पढ़ेंगे तो फॉर्म के जरिए आप जो है सिक्वल क्यूरी को ही ट्रिगर करवाएंगे। जैसे फॉर्म के लिस्ट बॉक्स में आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए तो वो सब चीजें सर्च, जैसे सर्च फॉर्म हम बनाना चाहते हैं तो वो सब चीजें आप यहाँ एसक्यूएल के जरिए ही आप कर पाएंगे। हम इसके जो आप देख रहे हैं इसको डिजाइन व्यू कहा जाता है। इसके व्यू में आप आएंगे तो सबसे देखिए मैंने बताया था कि एसक्यूएल में जो कमांड होते हैं सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड, चार मेन कमांड होते हैं। तो पहले हम सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स हमने आपको दे दिया था। तो नेट की वेबसाइट में आपको भेजी थी उसने इसका दिया हुआ है। तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पहले जानते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। मतलब कि आप डेटा को लुकअप करना चाहते हैं, जैसे मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए किसमें से, इंक्वायरी में से। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम IMQ, सेव करता हूँ क्यूरी वन के नाम से। और जैसे ही यहाँ पे हम क्यूरी वन करेंगे आप देखेंगे डेटा आ गया। ठीक है ठीक सर, इसमें हमने स्टार लगाया मतलब क्या हुआ? ऑल कमांड, ऑल डेटा, ऑल फील्ड्स। और यहाँ पे फ्रॉम IMQ। अब इसमें मान लीजिए अगर आपको देना है कंडीशन, जैसे यहाँ पे देखिए दिया एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन एंड ऑर्डर वाइज। ठीक है, तो वेयर कंडीशन क्या होता है? जैसे कि मुझे इंक्वायरी टेबल में से, डेटा कुछ चाहिए लेकिन मुझे उसमें कोर्स जो है वो एक्सेल वाला चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ एक्सेल कोर्स के लिए कितने लोगों ने इंक्वायरी किया है। तो यहां पे आपको लगाना होगा वेयर फिल्टर, इसको बोलते हैं वेयर सेल्स सॉरी कोर्सेज। कोर्सेस इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में एक्सेल। ठीक है, अगर इसको इंक्वायरी को रन करता हूं, इंक्वायरी क्यों लिखो ओके, कोर्सेज में दिक्कत हो गया, हमने फिल नेम गलत दे दिया। ये आपका कोर्स है, कोर्सेज नहीं है, तो से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, से होती रहती है मेरे साथ। कोर्सेज ठीक है, और मैं इसके यहाँ पे समझ देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो देखिए आपका स्कोर। ठीक है, ठीक मुझे इसमें अगर मान लीजिए मल्टीपल कंडीशन होता है कि कोर्स में हमारा आना चाहिए एक्सेल और इसकी जो सिटी है वो सिटी दिल्ली होनी चाहिए, तो इसमें हमें दो कंडीशन चाहिए। तो इसी में हम यहाँ पे एंड कमांड लगाएंगे कि एंड बी इज इक्वल टू जी इन्होंने को मैं यहाँ क्लोज कर देते हैं, क्लोज करता हूं। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली वाला ही आया हुआ है। ठीक है, जाता हूं
स्क्वायर में। अब यहां से एक मिनट में नो कर देता हूं, क्या गया? अब यहां एक चीज और भी है कि मुझे, अब मैं एक कंडीशन हटा देता हूं, अब बात करते और भी। तो मुझे जैसे एक्सेल वाला चाहिए और वीवीए वाला चाहिए, दो चीज चाहिए। यहां एंड की जगह पे हम यहां और लगाएंगे कि और कोर्स इक्वल टू वीवीए इन द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है? अब मैं इसको यस करता हूं, यहां देखिए एक्सेल और वीवीए दोनों यहां पे आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे पैरामीटर नहीं पता है, समझ गए? तो मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। यहां पे पैरामीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसके जगह पे हम कर्ली ब्रैकेट में कुछ मैसेज लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज एंटर कोर्स, ठीक है? ठीक है। मैं अगर इसको सेव करके यस करूंगा तो मुझसे पूछेगा कोर्स के बारे में। तो कोर्स मैंने यहाँ पे वीवीए दे दिया। अब देखिए आपका वीवीए का ही डेटा यहाँ पे शो हो, यही आपकी सिलेक्ट क्यूरी कर रही है। अब सिलेक्ट क्यूरी में एक और होता है ऑर्डर बाय। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर देख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट है, मैं चाहता हूं कि इसका सी नेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो, सी नेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो, ए हो, मैं सॉर्ट हो, तो इसके लिए राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाता हूं और इसके नीचे मैं यहां पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे ऑर्डर बाय, ठीक है ना, ऑर्डर बाय, और यहां पे आपको एक्सप्रेशन मतलब कि फील्ड नेम दे रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख दिया ऑर्डर, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है ऑर्डर बाय, फील्ड नेम क्या है तो हमने बोल दिया सी नेम, ठीक है? यहां पे आपको देना होगा कर्ल ब्रैकेट में असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हमने यहां पे एएससी डाल दिया है, स्पेस देना होगा, तो एएससी को यहां पे इसमें बड़ी ब्रैकेट में नहीं होगा, माफ कीजिएगा। हो गया। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे वीवी डाल दिया नेम अकॉर्डिंग असेंडिंग में, ठीक है? ठीक। तो सिलेक्ट में आप यहां पे एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल नेम और यहां पे चीजें दे सकते हैं, राइट? राइट। डाउट इसमें? तो अब कंडीशन में हमने आपको एंड और दिखाया, तो और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये रहा कंडीशन? कंडीशन में एंड हमने दे दिया और दे दिया, एंड और क्या दोनों दिया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो एंड और की सिचुएशन दिया जाए, बोलिए। जैसे यहां पे देखिए मुझे यहां पे मुझे चाहिए एक्सेल और वीवीए का कोर्स, समझ गया? एक्सेल और वीवीए चाहिए, और इसके बाद सिटी में जो है जैसे कि यहां पे देखिए इसमें बोला रखा है कि स्टेट कैलिफोर्निया होना चाहिए, सप्लायर आईडी नॉट इक्वल टू 900 होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसने बोला कि सप्लायर आईडी में एक जो है 100 भी चलेगा, जैसे कि हमने बोला
कि मेरे पास मेरे इसमें कोर्स जो है, हमारा कोर्स जो है, एक कोर्स में मान लीजिए कि होना चाहिए आपका एक्सेल और सिटी होना चाहिए मान लीजिए दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन हमें पटना को हम पेपर, यानी मान लीजिए मुजफ्फरपुर मेरा होम टाउन है तो मुजफ्फरपुर, मतलब कि हमारी जो एक्सेल और वीबीए की सर्विस है सिर्फ दिल्ली के लिए मान लीजिए। लेकिन अगर मुजफ्फरपुर से भी कोई कॉल करता है तो मैं उसको सर्विस दे देता हूं क्योंकि एक प्रेफर में डाला हुआ है। ओके तो मुझे यहां पे क्या लगाएंगे, देखिए डिजाइन डिजाइन यहाँ पे स्टार इंक्वायरी, यहाँ पे वेल कंडीशंस इंटर द कोड, ठीक है। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हो गया, तो इसमें दो कंडीशन देना है यहाँ पे, और यहाँ हम देते हैं एंड, और एंड में हम देंगे यहाँ पे सिटी इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंड और हम इकट्ठा दे रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि आप उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद आप और का कंडीशन देखिए, और सिटी इक्वल टू मुजफ्फरपुर, मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझसे पूछता है कोर्स, तो हमने डाल दिया एक्सेल। अब दिल्ली एक्सेल आ रहा है, दिल्ली एक्सेल आ रहा है, मुजफ्फरपुर आ रहा है। अब इसकी डिजाइन, इसकी जो डिजाइन व्यू देखिए, डिजाइन व्यू देखिए, अगर मैं इसको यहां पे लिखा हुआ है कोर्स इक्वल टू और एंड सिटी दिया हुआ है ना, तो ब्रैकेट हटा देता हूं और यहां पे कर देता हूं और इसको तीनों के इकट्ठे ब्रैकेट में डालता हूं, तब क्या होगा, एक चीज यहां पे हम चेक करते हैं। हमने यहां पे एक्सेल दिया, तो यहां पे दिल्ली और मुजफ्फरपुर दोनों आ रहे हैं, तो एंड और इस तरह से इकट्ठा आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक मिनट मैं इसको एक बार एक चीज और समझाना चाहूंगा कि मैंने यहां एंड लगाया और हमने सिटी को यहां दे दिया और ये ब्रैकेट हटा देता हूं, तो मैंने जो और जो है सिटी जो है वो दोनों को रखा हुआ है और में। अब मैं यहां पे अगर एक्सेल करता हूं तो यहां पे दिख रहा है सर आपको कि एक्सेल का ही दिल्ली और मुजफ्फरपुर आ रहा है। इससे पहले जो आपने देखा था उसमें क्या था कि उसने मुजफ्फरपुर के सारे कोर्सेज दे दिए थे, समझ में आया कि नहीं। मैं इसको दोबारा बताता हूं, मुझे देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर हमने यहाँ पे एक्सेल सिलेक्ट किया, एक्सेल एक्सेल, तो ये क्या हुआ कि एक्सेल तो कंपल्सरी, एक्सेल तो होना चाहिए। इसने बोला कि यहाँ पे जो एक्सेल डला है या बीवी डला है तो होना ही चाहिए, इसके अलावा इन दोनों में इसको इन दोनों में और का ऑप्शन आएगा, समझ गया सर, दिल्ली होगा या मुजफ्फरपुर होगा, उस पर रिटर्न हो जाएगा। अब वही चीज मान लीजिए कि मैं अगर इसकी ब्रैकेट हटा देता हूं, इसकी ब्रैकेट हटा देता हूं और मैं सिटी वाले को अलग एक ब्रैकेट में डाल, तब क्या होगा कि यहां पे आपका एक्सेल और दिल्ली वाला दिखाएगा, उसके अलावा मुजफ्फरपुर वाला भी दिखाएगा जिसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है,
समझ गए? समझ तो एंड और में यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। गया। ठीक है, ठीक कोई डाउट? है, नहीं सर। तो इसमें जो आपके इस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है ना, रेफर करके कुछ एक दो बना के मुझे भेजिए, कंडीशन लिख के भेजिए। जैसे लाइक कंडीशंस है, तो लाइक कंडीशन में क्या हुआ, जैसे मुजफ्फरपुर पूरा नहीं है, MUZ है, प्रिविलेज। हाँ जैसे वो एक्सेल में कंटेन करता है ना, ठीक ये आपका कंटेन होता है, सर, भेजता ये हूँ। आपका IN कमांड है, और का जो अल्टरनेटिव है। ये चीजें हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे, फिलहाल जो है एंड और इस सब पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक ठीक है, कोई डाउट या क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस से तो पूछ लीजिए। नहीं सर, सर एक दूसरा कंसर्न था मेरा। मैं सीक्वल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं मेन उसे अपने लैपटॉप पे, बट सीक्वल सर्व करना डाउनलोड हो चाह रहे जा। हैं आप? हाँ नहीं, थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कर रहा था मैं, पर वो सीक्वल कनेक्ट नहीं सर्वर हो रहा सर। स्पेस वर्जन कर दीजिए, या फिर सीक्वल से अच्छा हुआ कि MySQL कर दीजिए सर। MySQL वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा सर्वर, न्यू सर्वर सर्वर पे कनेक्ट करता हूँ तो ब्लैंक आ रहा। मैं कम से कम 8-10 बार अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर चुका हूँ नए नए वर्जन। इंस्टॉल करते समय सर्वर क्रिएट किया था? कैसे होगा? नहीं वहां तो कैसा तो कोई ऑप्शन आया नहीं कि सर्वर क्रिएट हो। हाँ तो आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ना, मैनेजमेंट स्टूडियो है। उसमें आपका सर्वर बनने ब्राउज कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है ब्राउज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। सर्वर तो सर्वर आपका क्रिएट नहीं है सर। तो क्रिएट कैसे होगा? सर इंस्टॉल करते समय ही होता है। मतलब मैंने पहले भी कई बार किया है इसको, जिस टाइम पे हो जाता था। इस बार देखता आपने हटा दिया होगा ऑप्शन, अनचेक कर दिया होगा। हूँ सर फिर से। वैसे तो मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ, कुछ ऐसा किया नहीं है मैंने। ठीक है, तो अभी तो आप ऑफिस में है ना, ऑफिस में ऑफिस के PC पे किए थे कि अपने अपने खुद के PC पे किए थे? तो लैपटॉप तो अपने घर पे ही किया था मैंने वीकेंड पे। जो कर रहे होंगे उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिए उसी समय में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू।